जेडीयू में पुराने नेताओं की वापसी हो रही है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और जगदीशपुर के विधायक रहे भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि 2024-25 में जेडीयू एक बार फिर बिहार में नंबर वन पार्टी बनेगी। इसके लिए 2010 के मापदंड को अपनाया जाएगा। नंबर पार्टी तब बनेगी जब 2010 का जो हमारा मापदंड है उसको पार करके और रिकॉर्ड स्थापित करेंगे तब बनेगी। और हम सब लोग मिलके 2010 के रिकॉर्ड को पार करेंगे। जितना खून पसीना लगाना होगा हम लोग लगाने का। जो कमी थी बारी बारी से उन कमियों को पार्टी पूरा कर रही है और भगवान बाबू का आना उसी दिशा में एक कदम है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह कारवां आगे बढ़ रहा है और जितनी कमी जहां से रह गई थी उन तमाम कमियों को आगे आने वाले दिनों में और दुरुस्त किया जाएगा और पार्टी नंबर वन की बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। विधानसभा के चुनाव के वक्त हम दल से वैचारिक मतभेद के कारण अलग जरूर हो गए थे, दल में चले गए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और ललन जी के पास श्री भगवान सिंह कुशवाहा का दिल था, दल दूसरा था, दिल ही है। सीएम नीतीश कुमार 10 अगस्त को 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई सदर अस्पताल और पीएचसी का नया भवन शामिल है। सीएम नीतीश 10 अगस्त को 80 से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लोकार्पण भी करेंगे और इसी दिन सीएम डॉक्टर और नर्सों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। 10 अगस्त से ही बिहार के 30 जिलों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा भी शुरू होगी। आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को किट उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक बड़ा कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2000 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इसमें जो नए अस्पताल हमारे बने हैं, आगे नए अस्पताल बनने हैं, भारत सरकार के सहयोग से जो पीकू के बेड्स बढ़ाए जाने हैं अस्पतालों के अंदर, इन सारे कार्यों का शिलान्यास होगा। कई योजनाओं के उद्घाटन होंगे, अस्पतालों के उद्घाटन होंगे, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल तक होंगे, सदर अस्पतालों का शिलान्यास भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। पटना में आज छात्र राजद की एक दिवसीय बैठक होने जा रही है, जिसके लिए आरजेडी की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। बैठक में प्रदेश भर के छात्र राजद के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे, जिसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक को लेकर जो पटना में पोस्टर लगाए गए हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव ने खुद को सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश की है। पोस्टर में लालू प्रसाद राबड़ी देवी का भी फोटो लगा है, लेकिन इस पोस्टर से आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब दिख रहे हैं, जिसको लेकर कई चर्चा शुरू हो गई है।